welcome to our honored guests this evening, Punjab, and Sri R.N. Raviji, of pine trees. The vibrancy of saffron, Kashmir surprises everyone. Festival in Srinagar is being held under the banner of Culture, Government of India. The nodal agency for organizing the festival is in four districts at schools, colleges, popular tourist places and parks, which has been the lifeline of Kashmir since Vedic times in its land of... We will now have the felicitation of our honoured guests. Sri Banwarilal Purohitji, Honourable Governor of Punjab. पानी जो बहता है वो कि नदी के पानी में दूसरा पानी है, तो वो सिंबल है विहत्सा वितस्ता महोत्सव जो हमारा हमारे झेलम टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट आल्सो सर्व एज एन एम्बेसडर ऑफ कश्मीर का है एज अ प्राउड कश्मीरी मायसेल्फ कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अक्वेंटेड विद अदर कंट्रीज ऑफ इंडिया इन फोर्स जैसे उमा जी कह रहे थे between Godavari and the Vitas. I've been there for them to actually organize this festival. With the aid of the National School of Drama, have created a beautiful... All of you, and jitne log yahan aaye hue hain, aap pehle to bahut rare hota hai ki do governors aap ek hi manch pe ek waqt mein maujood ho, to ye mere khayal se ek bahut hi acha mauka hai. Aur dono governors aaye to yahan pe aane ke liye मैं जिन सभी आर्टिस्ट हैं और जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको इससे बहुत बल मिलता होगा कि आज हमारे बीच में बहुत ही विश्व वापस आई है. और आज इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा संदेश जाता है पूरे देश के लिए कि अब कश्मीर जिन बातों के लिए पहले जाना जाता था अब फिर से उन्हीं बातों के लिए जाना जाएगा. May I request the Honourable Governors Mr. Javed Bhatt Shri Bharat Singh Ma- Punjab बनवारी लाल पुरोहित जी. इस विकसा के इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है. इसके अनेक कारण हैं. एक तो ये कश्मीर की फेस्टिवल है, जम्मू एंड कश्मीर की. और इस फेस्टिवल इस पर्व का जब शुरुआत हुआ तो आरंभ में चेन्नई में जो इसका पहला कार्यक्रम हुआ उसमें भी भाग लेने का मुझे अवसर मिला. और आज जब ये पर्व अपनी लंबी दौर के बाद जब श्रीनगर में आज अपने समापन स्थिति में है इस अवसर पर भी मुझे
इसमें उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मुझे अपार खुशी है। दूसरा कारण, ये जम्मू और कश्मीर मेरी जिंदगी से लगभग 40 वर्षों से जुड़ा रहा है अलग अलग कारणों से। 1980 के दशक में हम यहां सेनानी के रूप में आते थे और उस समय कश्मीर और कश्मीरियत का नजारा और आनंद लेते थे। क्या माहौल होता था उस समय, किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि चंद वर्षों में इसको ऐसी नजर, बुरी नजर लगेगी और इसे एक दहशतगर्दी का केंद्र बना दिया जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो फिर 90 के दशक में भी मुझे यहां गृह मंत्रालय की तरफ से कई वर्षों तक श्रीनगर में रहकर काज करने का मुझे अवसर मिला। वो दिन थे जब हंसी तो दूर किसी के चेहरे पर मुस्कान दूर दूर तक नहीं आती थी। एक मौत का मातम, हिंसा का खौफ, अनेकों बार ऐसे हुए जब मौत व्यक्तिगत रूप से मुझे स्पर्श करते करते, और मैं कहूंगा कि ये माता पिता का आशीर्वाद करते करते छूते छूते चली गई। बड़ा ही भयानक दौर था। हजरत बलगंज की घटना घड़ी, चरारे शरीफ को जला दिया दहशतगर्दों ने। ऐसा लगता था कि कश्मीर को लहूलुहान करते हुए इसकी आत्मा को खत्म करेगा। ये लंबा दौर चलता रहा और इसके पहले, आज के पहले मैं 2018 में आया था यहां, जब मैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करता था। उस समय हिंसा में काफी कमी आई थी, लोग भी आना शुरू कर दिए थे, लोग मतलब सैलानी, लेकिन फिर भी एक तनाव का माहौल हुआ करता था। लोगों को चेहरे पर खुलकर हंसी नहीं थी, एक आशंका था कि पता नहीं ये हिंसा में कमी की जो एक ट्रेंड है ये कब उलट जाए। कितने तो ऐसे थे जिनकी जन्म ही इसी पीरियड में हुई, लाखों के संख्या में यहां से कश्मीरी पंडित और अनेकों लोग यहां से भगा दिए गए। उनको मैं मिलता था, उनको मिलता जम्मू में, गुड़गांव में और देश के अन्य भागों में जब उनसे मिलने का मौका मिलता था, उनके चेहरे पर जो वेदना में देखता था, बहुत पीड़ा होती थी। लगता नहीं था कि ऐसा लगता था जैसे कश्मीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो। 2018 में भी स्थिति बदली थी, लेकिन फिर भी एक बहुत गहरी आशंका सबके दिल में। आज जब मैं आया और आने के बाद पिछले दिन भर के दौरान मैंने अनेकों लोगों से मुलाकात की, हमारे पुराने जानकार, हमारे पुराने सहयोगी, कुछ लोग मेरे लिए खाना बनाते थे, कुछ लोग मेरे लिए गाड़ी चलाते थे, कुछ लोग मेरे अन्य भांति भांति रूप से, उनसे जब मैंने बात किया हंस रहे थे, जनाब अमन ही अमन है। मैं जहां रह रहा हूं, रुका हुआ, ठहरा हुआ, वहां गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से यही सुनने को मिला। जब गलियों में निकलता हूं तो देखता हूं कि हाँ लोग क्या नजारा है। यह पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ कश्मीर, अपनी कश्मीरियत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ पुनः जन्म लिया है और ये आगे बढ़ता है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जहां तक विकसता के पर्व का प्रश्न है या विषय है, प्रश्न तो नहीं है, विषय है विकसता, एक सांस्कृतिक समारोह के रूप में हम ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। विश्व पटल पर भारत आज एक चमकता हुआ सूरज है। कुछ वर्ष पहले तक भारत हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर हाशिए पर थे, मार्जिन पर थे, लेकिन आज जब भारत का प्रधानमंत्री कहीं कुछ बोलता है तो पूरा विश्व बड़े ध्यान से सुनता है और हम देख रहे हैं, हम इससे गवाह हैं। आज विश्व जिस गति से भारत विश्व पटल पर एक नई शक्ति और एक सकारात्मक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसे विश्व एक बहुत बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा है। थोड़ा आतंकवाद का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, उसमें चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट का डेलीगेशन आया था हमारा और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने हमारे ऑनर में एक जलसा और पार्टी अरेंज की थी, हम उनके निवास पर ही गए थे और उस समय वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने बोला सर इतने वर्षों के बाद में ये पहला जलसा हो रहा है, हैं हमारे आनंद की तो एक अलग ही सीमा रही है, पहली बार ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, मतलब बीच में बंद हो रहा है, सब कुछ चीज़ें सुधरी सुधरेगी। कश्मीर का तो एक अपना स्थान है, भारत माता का चरण है, वो हिंद महासागर पखारता है, होते रहता है, कन्याकुमारी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और कश्मीर भारत माता का मणि मुकुट है, ये पूरा देश बोलता है, विश्व बोलता है। कश्मीर का एक अपना अलग स्थान है, कश्मीर का तो स्थान दूसरा कोई ले नहीं सकता, क्या सुंदर रमणीय स्थान है ये। आज ये कार्यक्रम का एक प्रसिद्ध झलक देते हैं सेक्रेटरी साहब, खासकर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके टीम को, वंडरफुल प्लेस, आनंद आ गया यहाँ पर पैदा करके, आनंद की अनुभूति हो रही है, कलाकारों के लिए इससे बढ़िया सुंदर जगह क्या हो, कला की साधना के लिए इससे बढ़िया सुंदर क्या जगह, इसलिए सभी यहाँ पर आते हुए रास्ते में हम और गवर्नर साहब आ रहे थे, रास्ते में हमने देखी पूरी मेहनत आप लोगों के समझ में आ गई, पूरी टीम की मेहनत, हर प्रांत के सभी मंझे हुए कलाकार की नज़र पड़ी। मंझे हुए वर्ल्ड में क्यों बोल रहा हूँ, मेरी पब्लिक लाइफ में करीब करीब 6 decades की है और कुछ भगवान की देन होगी, 60 साल पब्लिक लाइफ में रहने के बाद में चेहरे से तो पहचान जाते हैं कि मजा हुआ चेहरा है कि नया है, क्या सूरत समझ में आती है, तो मजे हुए सेलेक्टेड कलाकार यहाँ पर इस कार्यक्रम में होते थे, उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए, कला के साधना में लगे हुए कला के साधना, तो पूरा है ना भारत हमारा, और ये यहाँ पर फूल दिख रहा है रंग बिरंगे फूल, और उनका एक गुलदस्ता सभी फूलों का मिलकर कितना सुंदर बन गया, वही सारे प्रांतों की सभी संस्कृतियाँ, गवर्नर साहब का प्रदेश है तमिलनाडु, भरतनाट्यम वहाँ से शुरू होता है, अभी संगीत के कार्यक्रम, उसके बाद में उसका खूब आनंद लीजिए, फिर उसके बाद में सुना है पुराने फिल्मों का भी कार्यक्रम है, उस पुराने मैं तो भाई पुराने फिल्म हमारे ज़माने की तो बहुत ही अलग थी हैं, वो भी कार्यक्रम है पुराने फिल्मों का, मैं तो उसका मुरीद हूँ पुराने फिल्मों के ज़माने का, आप लोग तो सब जूनियर हूँ, मैं तो बहुत सीनियर हूँ उस ज़माने का, मेरे ज़माने में आपको मालूम है चेयरमैन होने के लिए मेरा स्टैंडिंग इन्विटेशन है, परफॉर्म साहब सभी कलाकारों से कराए अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे, मैं तो वैसे भी बुला लेता हूँ कार्यक्रम में, अभी भी बुलाए हैं सब प्रांत के कलाकारों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई, और खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी टीम की पूरी मेहनत
हमको समझ में आती है, क्योंकि हम भी पब्लिक लाइफ में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, तीन बार एमएलए रहे हैं, महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने कितना परिश्रम और कितनी निगरानी से किया है ये हमारे साथ में। और परेशान साहब की पूरी टीम पूरा कैसे समझ के सबसे पहले माननीय राज्यपाल पंजाब महोदय और तमिलनाडु महोदय साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे निवेदन पर। और इससे बढ़िया क्या बात होगी कि उत्तर का जो हिस्सा है उसके जो नॉर्थ जोन है उसके डायरेक्टर मेरा इससे बढ़िया कहीं पर भी विसर नहीं हो सकता। आपका आभार सर। संस्कृति मंत्रालय उनके हमारे जो मैडम बैठी है ज्वाइंट सेक्रेटरी। और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इनसे मीटिंग हुआ 2 जून को, उसके बाद में जो हमारा काम आसान हुआ, जो इतना बड़ा काम हमें खुद को बड़ा कठिन लगता था लेकिन बहुत आसान है। स्पेशल सेक्रेटरी त्रिशला जी हैं और सेक्रेटरी एकेडमी भरत सिंह साहब बैठे हैं। जो देश सर हमारी टीम चार हमारे बहुत सारे जिस तरह से कथा कर सबका ध्यान चाहती हूँ मैं अपनी ओर। सलियम बेख बिहुन दार वर्द से शुभिन रोशन। वाह 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 वाह। चूंकि इतना कुछ ये वो क्यों मोमेंट होते हैं जहाँ पे आप कितने ही बड़े इंडस्ट्री श्रीकांत नारायण साहब। श्रीकांत जी आइए मंच पर, जोरदार तालियों से अभिनंदन श्रीकांत नारायण साहब।